जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत ही अहम खबर है डेंगू के बारे में कि डेंगू के इलाज के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट जारी है जिसको बिल गेट्स जो है वो सुपरवाइज कर रहा है। उसके अंदर असल में हो क्या रहा है कि इंशाल्लाह अगर ये कामयाब हो जाता है तो डेंगू जो है वो अब मज़ीद जो है वो नहीं फैल पाएगा। उसकी वजह ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वुलबेशिया और वुलबेकिया बैक्टीरिया। ये अमूमन जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके अंदर नॉर्मली पाया जाता है। और लेकिन देखा गया है कि जो डेंगी जो है ना मच्छर एडिस एजिप्टी जिसका नाम है, इसके अंदर ये नहीं पाया जाता वुलबेशिया बैक्टीरिया। और इसको जब खुद साइंसदानों ने इंजेक्ट करके इसके अंदर डाला तो ये बैक्टीरिया जो है इसने डेंगी मच्छर को डेंगी फीवर एक शख्स से दूसरे शख्स में डेंगी वायरस मुंतकिल करने से रोक दिया। और इसके अभी तक जो नतीजे हमारे सामने आए हैं वो ऑलमोस्ट 67% तक इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ये मज़ीद इसके ऊपर काम जारी है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, बजाय इसके कि आप मच्छर ख़त्म कर दें जो कि एक इकोसिस्टम का हिस्सा होता है, ये भी खुराक होता है मुख्तलिफ जानवरों का, और अगर लार्वा पिपा फेज में हो तो मछलियों का, तो इसको ख़त्म करना है हल नहीं है। बजाय बल्कि इसका ये बहुत बेहतरीन इलाज होगा कि मच्छर मौजूद रहेगा लेकिन ये बीमारी मुंतकिल नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह होप्स हो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये तरीका इलाज सारे मुल्कों में अवेलेबल होगा। शुक्रिया।